अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ व्यू कलेक्शन। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग आपके साथ एक और क्विज़ के सॉल्यूशन फाइल के साथ आया हूँ, जिसमें मैंने फिजिक्स 101 के चैप्टर 1 से 20 तक जो क्विज़ के क्वेश्चन हैं वो सॉल्व किए हैं। आज के क्विज़ में हमने टोटल 30 क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व किए हैं, जिसमें से कुछ क्वेश्चन जो थे वो क्विज़ जो है हमने 1 जो सॉल्व किया था उसमें से भी रिपीट हुए हैं। तो ये क्विज़ नंबर 2 आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूँ। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास सवाल है जी, लाइटर ऑब्जेक्ट्स ऑलवेज रीच द ग्राउंड लेटर देन हैवियर। तो इसका जो हमारे पास आंसर होगा वो आप देख लें। इसमें हमें मैंने जो है वो ये ऑप्शन लगाया है, देर आर सम एक्सटर्नल फोर्सेज एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल द एयर फ्रिक्शन। ये बिल्कुल सही है, ठीक है। हैवियर ऑब्जेक्ट हैज़ अ लार्ज यूनिफॉर्म वेलोसिटी व्हेन इट फॉल्स, ये भी ठीक है। हैवियर ऑब्जेक्ट हैज़ एक्सेलरेशन ड्यू टू द लार्ज एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी। तो इसका मैंने थर्ड लगाया है और ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद है, वन रेवोल्यूशन इज द सेम एज 2π रेडियन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यही है, 2π रेडियन। अ नेट टॉर्क अप्लाइड टू द रिजिड ऑब्जेक्ट ऑलवेज टेंड टू प्रोड्यूस एंगुलर एक्सेलरेशन, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है जी। आगे चलते हैं, विच वन इज वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी जो इसमें है वेलोसिटी है, बाकी सिंपल लेंथ वर्क और वॉल्यूम हो गया, बाकी जो ये है वेक्टर है वो है वेलोसिटी। ये देख लीजिएगा, ये अगले सवाल का जो जिस जो है वो हमने पीछे एक्सप्लेनेशन है, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस, द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इज 0। तो हमें देख लें जी, वेलोसिटी कांस्टेंट होती है जब हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ पैरेलल हो टाइम एक्सिस के साथ, तो ये कांस्टेंट होता है, और बॉडी की एक्सेलरेशन है वो 0 होती है, ठीक है जी। तो ये हमारे सामने इसका आ गया जवाब, ठीक है जी। आगे चलते हैं, आगे है द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाइज टू सिस्टम ऑफ कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट्स ओनली इफ द नेट एक्सटर्नल इम्पल्स इज 0, ठीक है जी। ये इसका उन्होंने बताया हुआ है, तो इसका आंसर ये है, ये इसका हमारे पास आंसर हो जाएगा, ठीक हो गया जी। आगे चलते हैं, एन इलास्टिक कोलिजन इज वन इन विच, दोनों चीज़ें कंजर्व हो जाती हैं, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व हो जाती है और मोमेंटम भी कंजर्व हो जाता है इलास्टिक में। आगे चलते हैं, अगर आप पढ़ लेंगे तो इसके अंदर ही बात इसमें डिटेल से बोली हुई है। आगे जो द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस आर इज लोकेटेड, तो इसका ये आंसर है R2, ये याद कर लीजिएगा, डायरेक्ट इसका जवाब है। इसमें इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि किस तरह से आता है, ये आप पढ़ लीजिएगा आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद पास्कल के बारे में बताया गया, ये सवाल है जी, आई थिंक एक मिस हो गया था तो ये देख लीजिएगा। दिस स्ट्रेस, दिस मीन स्ट्रेस इज न्यूटन पर स्क्वायर मीटर जी, इसके बारे में पूछा गया था, एन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पास, ये है स्ट्रेस का डायमेंशन पूछ गई थी, तो ये उसकी आती है, ठीक है जी। आपने इसका ये ऑप्शन लगा देना। आगे चलते हैं, सपोज नो रिएक्शन फोर्स एग्जिट्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस विल अकर, वी कैन नॉट स्विम, वी कैन नॉट जंप, वी कैन नॉट वॉक। तो अगर रिएक्शन फोर्स ही नहीं होगी, जैसे कि अगर हम एक बॉडी को पुश करते हैं तो पुश होती है, उससे हमारी बॉडी पे भी कुछ फोर्स एक्ट करती है, तो अगर ये रिएक्शन फोर्स ही नहीं होगी तो हम लोग ना ही तैर सकेंगे, ना जंप कर सकेंगे, ना ही वॉक कर सकेंगे। तो इसके पहला दूसरा तीसरा तीन ऑप्शंस होंगे। इसी के साथ हमारा एक जो सेट है वो कंप्लीट हो गया है क्विज नंबर 2 का, और अब हम सेकेंड सेट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है जी। ये हमारे पास सेकेंड सेट का पहला सवाल है, द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इम्प्लाइज दैट, ठीक है जी। ये इसका जवाब है, नेट पे आप चेक कर लीजिएगा, आपको वहाँ पे भी गूगल पे भी यही जवाब मिलेगा। आगे चलते हैं, इफ़ अ व्हील टर्न्स विद कॉन्स्टेंट एंगुलर स्पीड देन द व्हील टर्न्स थ्रू इक्वल एंगल्स इन इक्वल टाइम्स, ठीक है जी। कॉन्स्टेंट स्पीड होगी उसकी तो क्या होगा, इक्वल एंगल होगा और इक्वल टाइम्स पे मूव कर रहा होगा, ठीक है ना। उसका ग्राउंड वो चल रहा है तो उसके साथ वो होगा। अच्छा जी, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया व्यू कलेक्शन, तो यार अभी सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करें, ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस हम लोग आपके लिए लेकर आते रहिए। आगे चलते हैं जी, द सेंटर ऑफ मास ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेयर इज, जो इसका जो है ये क्वेश्चन मुझे इसका जवाब नहीं मिला, तो इसका मैंने जवाब लगाया था वो ये पहले वाला लगाया था, तो आप इसको देख लीजिएगा। आगे चलते हैं जी, इन डैश ऑब्जेक्ट रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन इफ डिस्प्लेस्ड स्लाइटली, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, स्टेबल होता है तो वो अपनी पोजीशन पे वापस आ जाता है, अनस्टेबल होता है तो वापस नहीं आता, ठीक हो गया। और बाकी भी चीज़ें, व्हेन
When brakes are applied to a fast moving car, the passenger will be thrown. ये तो बिल्कुल सिंपल बात है कि अगर गाड़ी की हम लोग जो तेज चल रही है उसकी ब्रेक लगाते हैं तो पैसेंजर्स जो होंगे उनके साथ क्या होगा, तो वो फॉरवर्ड मूव करेंगे, आगे की तरफ जाएंगे। ठीक है जी। द फंडामेंटल डायमेंशंस ऑफ एंगुलर मोमेंटम आर, एंगुलर मोमेंटम की जो डायमेंशन बनती है वो ये है ML 2t-1। ठीक है जी, ये इसकी इसका राइट आंसर है। अगेन इफ द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज डबल्ड देन एक्सेलरेशन बिकम्स, तो ये बिल्कुल सिंपल है, अगर एक बॉडी पर हमने फोर्स जो है डबल कर दिया है तो उस पर एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगी, हम लोग वो भी डबल हो जाएगी, तो इसका ये ऑप्शन है। देखिए यहाँ पर इन्होंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, राइट। अब इसको देख लें इस फार्मूले को, तो आपको बिल्कुल क्लियरली चीज़ की समझ आ जाएगी। सो इफ द फोर्स इज डबल्ड ए इज ऑल्सो डबल, ये देखें अगर हम इसको टू के साथ मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे भी टू हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हमारे पास डबल होगा, राइट, फॉर्मूले के मुताबिक। आगे चलते हैं जी। वाटर टनल है सर्कुलर, इसका मेरे ख्याल से राइट, तो इसका जो है ये फॉर्मूले के साथ ये सॉल्व होगा, तो इसका डायरेक्ट आंसर मैंने सॉल्व किया तो देखा था नेट पे, तो उसका 27 आ रहा था, इसको अपने यही लगाना है। ठीक है, आगे चलते हैं। द वर्क डन बाय ग्रेविटी ड्यूरिंग द डिसेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पॉजिटिव, तो अगर आप यहाँ पे देखें पॉजिटिव इज द करेक्ट आंसर, राइट हो गया जी, ये देखें। आगे चलते हैं, तो इसी से हमारा दूसरा सेट भी जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम तीसरे सेट पे जा रहे हैं जो कि चैप्टर 1 से 20 तक फिजिक्स 101 का है। ठीक है जी, तीसरा सेट स्टार्ट हो गया। अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ वर्क, व्हेन अ बॉय सिट्स इन वन प्लेस एंड स्टडी फॉर द होल नाइट, ये पहले जो क्विज था क्विज नंबर 1, उसमें भी क्वेश्चन आया था, तो यहाँ पे नो वर्क इसका जवाब है। ये जो है मुझे नेट पे एक PDF फाइल में से मिला था, नो वर्क। आगे चलते हैं जी। फोर्स इज अप्लाइड द सेंटर ऑफ मास एंड टॉर्क इज जीरो, ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें अगर एक अप्लाई किया गया है सेंटर पे और उसका फोर्स जो है, ठीक है ये देखें जरा, टी इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाई बाय एफ, आर अगर जीरो हो जाएगा तो टॉर्क क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगा सिंपली। ठीक है जी, फोर्स अप्लाई द सेंटर ऑफ द मास ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इन द सेंटर इज जीरो एंड दस द टॉर्क इज ऑल्सो जीरो व्हेन अ वेव ट्रेवल्स थ्रू अ मीडियम, जब एक वेव ट्रेवल करती है एक मीडियम के, तो एनर्जी इज ट्रांसफर्ड एट अ कॉन्स्टेंट स्पीड, ठीक है, वेव की बात हो रही है तो ये कॉन्स्टेंटली जो है वो ट्रांसफर होगी एनर्जी, राइट। लाइट ईयर इज़ ए यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है, ये इसका जो है वो एक्सेलरेशन का लाइट ईयर यूनिट है, ये देखिए मुझे पे मिला था, लाइट ईयर इज़ ए यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। फायर विसल इमिट्स अ टोन ऑफ 170, ठीक है, इसमें इसका जो जवाब होगा वो ये होगा कि स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है, और जो फ्रीक्वेंसी है, वेवलेंथ का फार्मूला है, स्पीड ऑफ साउंड जो भी हमें दी गई है वो और जो फ्रीक्वेंसी जो हमने फाउंड फाइंड करनी है वो डिवाइड कर देते हैं, 340 डिवाइडेड बाई 170 हमारे पास आएगा 2, ठीक है जी, हमारे पास वेव लेंथ जो आएगी वो 2 मीटर्स आएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो हमें यहाँ दिया गया था वो मीटर में दिया गया था, तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं जी। ये देखें इसको सॉल्व किया गया है, वेव लेंथ का फार्मूला है वी ओवर स्पीड और फ्रिक्वेंसी, तो ये हमारे पास जवाब इसका आ गया है। आगे चलते हैं जी। पॉसिबल यूनिट्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम आर के जी एम टू और एस, इसका ये जवाब है, इसको रटा लगा लें। आगे चलते हैं जी, ये देखें के जी एम टू एस, ठीक है जी, के जी एम टू एस, राइट। आगे चलते हैं। यंग मॉडुलस इज अ प्रोपोर्शनैलिटी कंसेप्ट दैट रिलेट्स द फोर्स पर यूनिट एरिया अप्लाइड परपेंडिकुलर द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसका जो अब जवाब है वो है द फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ। ठीक हो गया जी, इसी के साथ जो है हमारे जो सारे क्वेश्चन हैं वो ख़त्म होते हैं। मैं आप लोगों से एक दफ़ा फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आप लोगों के लिए मैं हमेशा लेकर आता रहूँ। इसी के साथ आज की वीडियो को हम लोग ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।